हाँ आ जाओ भैया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप खाली 3 महीने में कैसे फ्रेंच सीख सकते हैं। और मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, देखा भैया ये ऐसा क्यों लगा रखा है ये टावल, क्योंकि आज बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया है भैया। कॉलेज बंद, सब का सब चीज़ बंद है। देखिए हमारा गाड़ी भी बाहर ही नहीं निकलेगा। देखिए कहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगा, ये रास्ता है और ये हमारा गैराज के सामने देखिए कितना स्नो पड़ा है भैया, ये हालत है। तो ये वीडियो आप घबराइए नहीं, मैं आपको कोई बेच नहीं रहा हूँ कोई चीज़, इसलिए मैं आपको वीडियो जरा भी झूठ नहीं बताऊँगा और रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊँगा भैया कि आप कैसे 3 महीने में भैया आराम से कोई भी फीस दिए बिना आप फ्रेंच सीख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा ये कुत्ता भी है, वो भी फ्रेंच ही बोलता है भैया, और वो बोल रहा है भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अच्छा लगे तो ठीक है। ये अभी उसका खेलने का खिलौना है भैया, देखिए देखिए अभी इसको बाहर जाना है। तो अभी मैं आपको ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ, अपने यहाँ पे सोलर रूम में जाता हूँ और आपको पूरा बताता हूँ कि यहाँ पे आप 3 महीने में फ्रेंच कैसे सीख सकते हैं भैया। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही कॉमन आदमी हूँ भैया। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन मेरे में पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता भैया, मैं कोई भी काम शुरू करूँ भैया तो एक इंजीनियर की तरह पूरा का पूरा प्लान बना देता हूँ। तो मैंने जो फ्रेंच सीखने की शुरुआत किया भैया तो उसको मैंने पूरा प्लान बना दिया। अब बोलेंगे प्लान क्या है भैया, कि जैसे कि हम लोग कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं भैया, तो पहले हम लोग विंडो बारी खरीद लेंगे, फिर उसके हिसाब से भैया दीवार बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से बेसमेंट बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। तो आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गलत बनेगा। इसके लिए सही बात बताऊं भैया, आपको कोई एक्सपेंसिव ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको कोई बढ़िया सी किताब किताब खरीदनी, ये 2022 है भैया। मैं आपको पूरा अपना प्लान बताता हूँ डिटेल में भैया, आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है भैया, इतने सारे इंटरनेट पे फ्री रिसोर्स है भैया। अगर आप है ना ध्यान रखेंगे ना भैया, आप 3 महीने में मेरी तरह कड़कड़ाहट फ्रेंच बोलना सीख जाएंगे भैया। तो पैसे मैं बताता हूँ, पहली चीज़ भैया अभी मैं शुरुआत करता हूँ कि 80% इंग्लिश और फ्रेंच एकदम एकदम सेम है भैया, एकदम बराबर। और ये जो आप वीडियो ये शुरू करें भैया, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं पता है, ये एकदम हार्ड रूट पे चले जाता है, फिर उनको सर दर्द होता है, तुरंत फ्रेंच छोड़ना छूट जाता है भैया। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, पहले हफ्ते में खाली अल्फ़ाबेट ABCD का प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है पहले हफ्ते में खाली। और उसका पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है भैया, 15 वीडियो का भैया, 15-20 वीडियो, वो देखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप भैया आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा भैया। तो पहला स्टेप नंबर 1 है, आप लिख लीजिए भैया कि आपको अल्फ़ाबेट करना है। दूसरा नंबर का रूल है भैया, दूसरा चीज है भैया रूल्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। अगर इसके अलावा अगर आप रूल्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन नहीं, ये पूरा बिल्डिंग का फाउंडेशन है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन का रूल नहीं मालूम पड़ेगा ना, तो ये 80% जो इंग्लिश और फ्रेंच सिमिलर है ना उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये रूल्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे इंटरनेट पर रूल है भैया, लेकिन मेरे जो रूल थे वो करीबन 14 रूल थे भैया। अगर आपको रस है तो मेरे को बताना, मैं एक वीडियो में आपको पूरा नोट शेयर करूँगा 14 के 14 वीडियो का भैया, 14 जो रूल्स है, इस रूल्स को आपको रट्टा मारना भैया, एक हफ्ते में आपके पूरे के पूरे रट्टा मार देंगे रूल्स को भैया। तो आप ना कोई भी फ्रेंच की किताब उठा के खोल दीजिए, आप कड़कड़ाहट पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा इसको पढ़ते कैसे। जब आप पढ़ेंगे ना भैया रूल्स को, तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ेगा कि ये क्या बोलने मालूम है। पता है भैया बहुत सारे इंग्लिश और फ्रेंच और एकदम सिमिलर है, खाली प्रोनाउंसिएशन अलग आता है तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ भैया, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल तो फ्रेंच में बोलते हैं नेशनल, देखा भैया थोड़ा चेंज हो गया, एक ही चेंज स्पेलिंग भी 90% सेम होता है। इंग्लिश में बोलता है कलर तो फ्रेंच में बोलता है कूलर, तो कूलर बोला तो ये क्या हुआ। तो ये खाली प्रोनाउंसिएशन का रूल सीखा तो आपको तुरंत पिकअप आ जाए, ये पहले हफ्ते में आपको काम करना है। तो तीसरी चीज़ है भैया डांस, इंग्लिश में डांस बोलते हैं तो फ्रेंच में उसे डांस बोलते हैं, तो ये डांस डांस ऐसे ऐसे नाक में बोलते हैं, तो कई लोग बोलते हैं ये क्या है, जैसे पासपोर्ट इंग्लिश में, तो फ्रेंच में बोलते हैं पासपोर, उसको टी नहीं प्रोनाउंस करता, ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में होता है भैया। लाइसेंस को लिसेंस बोलते हैं भैया, सेलुलर को सेलुलर बोलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश और फ्रेंच वर्ड एकदम एकदम कॉमन है भैया। तीसरा मैं स्टेप बताता हूँ भैया, आपको TV वॉच करना है, नहीं तो YouTube के वीडियो जो फ्रेंच में वॉच करना भैया डेली 1 घंटा। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ, लिख लीजिए भैया फ्रेंच कैसे सीखना है। अगर आपको क्यूबेक कनाडा आना ना भैया, तो आपको बहुत फैसिलिटी मिलेगी, तो आप पहले ये वॉच टीवी वॉच करना सीख लीजिए भैया। तो ये टीवी आप वॉच करेंगे आपको थोड़ा खराब मालूम पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है भैया, उसका मालूम पड़ेगा भैया। और जो 80% जो मैंने बोला इंग्लिश और फ्रेंच है, खाली 20% है वो उसको रट्टा मारना है भैया। रट्टा यानी कि थोड़ी गोखण पट्टी पढ़ करनी पड़ती है भैया, लर्न बाय हार्ट।
और उसमें क्या क्या चीज़ है भैया। तो जो जो चौथा नंबर का स्टेप आपको सीखना है भैया, वो नंबर सीखना है 1 to 20। 1 to 20 नंबर मेरे ख्याल से आपने बराबर जोर मारा तो एक दिन में आपका पिकअप आ जाएगा। 20 के बाद जो भी मिलियंस तक नंबर आता है ना, वो खाली उसको इसको मिक्स मैचिंग करते हैं 21 22 से, जैसे 21 20 20 तक है, 21 22 23 ऐसे ही है, वह वैतिया वैद्यू वैद्रुआ तरान तरानतिया, तो ये सब एक ही है। तो आपने 1 से 20 तक के नंबर घोख दिए तो आपको पूरा मिलियन तक का नंबर आ जाएगा भैया, तो वो आपका डिफिकल्टी निकल जाए भैया। जो पाँच छठा चीज़ आपको चीखना है कि नंबर डेज ऑफ द वीक, लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे, उसको अलग तरीके से बुलाते हैं, उसको घोख डालना है, यानी कि लर्न बाय हार्ट करना है। मंथ को जनवरी को जाम ये बोलते हैं, फेब्रुआरी को फेब्री ये बोलते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब एकदम आराम लगेगा भैया, आप सीधे हाईवे पे आ जाएंगे, आपके मगज के दरवाजे एकदम खुल जाएंगे भैया। प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आपको रट्टा मारना है। उसके बाद आपका ना भैया मेरे ख्याल से 5वें और 6ठे हफ्ते में भी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनना है। आई एम गोइंग, तो आप फ्रेंच में जस्वी आले आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा कि आई एम यू आर ही इज शी इज, उसके जो नौ है ना भैया नाउन, उसको थोड़ा उसको गोख डेलना है, तो ये सब थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है वो सीख लेना भैया, लिख लीजिए। अगर इस मेरे प्लान से आप फ्रेंच बोलना सीखना शुरू करेंगे ना भैया, आपको जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगी, एकदम लाइफ आपका स्मूथ लगेगा। उसके बाद आपको जेंडर मस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में बोलना है, फेमिनिन में पीछे ई लगता है और ये ई वाला होता है, उसमें आपको ये प्रोनाउंस करना पड़ता है, ये उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर आप हिंदी से बोल रहे भैया, बहुत सारे पॉकेट बुक हमारे रोड पे भी मिलती है अहमदाबाद में देखे तो, नहीं तो दिल्ली में भैया, नहीं तो बहुत सारी पॉकेट बुक है, ये सभी चीज़ हिंदी टू डायरेक्ट फ्रेंच सिखाती है, हमने पॉकेट बुक से ही फ्रेंच सीखी है भैया, और उसके लिए कोई एक्सपेंसिव क्लास वास लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आप कहीं पे एक्सपेंसिव क्लास में जाएंगे तो उनके पास जो USB की है वो आपके दिमाग में भरा देगा तो आपको तुरंत आ जाएगा भैया। अगर ज़्यादा पैसे खरीदने से नॉलेज आता ना भैया, तो ये सब पैसे वाले लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया, नॉलेज के लिए थोड़ा प्लानिफिकेशन होना चाहिए। तभी मैं उसके बाद आपको प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन वो आपको उस पर फोर्स करना है। फिर ये पूरा का पूरा आप जब चेक करें भैया, खाली प्रेजेंट स्टेंस पे ही आपको फोर्स करना है, आपको फ्यूचर और पास्ट में अभी मत जाइए, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। शुरू शुरू में खाली आपको प्रेजेंट टेंस में ही आपको फोकस करना है। और मैं आपको एक और टिप देता हूँ भैया कि आपको गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल बहुत करना है, क्योंकि हमारे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आ जाए कई चीज़ हमको मालूम नहीं पड़ता है भैया, तो अगर आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे तो जो भी बोलता है ना आपको इंग्लिश में से फ्रेंच में से इंग्लिश में इंग्लिश में से फ्रेंच में आप थोड़े फोर्स करेंगे दूसरे महीने में, तो आपको पूरा पूरा अंदाजा आ जाएगा कि ये कैसे सब काम करता है। तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करना है भैया। ये ना ये मेरा ये फ्रेंच का प्लेलिस्ट मैंने नीचे रखा भैया अपने यूट्यूब चैनल का, वहाँ पे 15 के 15 20 वीडियो का प्लेलिस्ट आप देख लीजिए एक बार। तो ये जैसे जैसे मैंने ये पूरे लेसन बताए ना भैया, आपको फॉलो करेंगे तो पूरा का पूरा आपको अंदाजा आएगा भैया। और इसमें आपका ना यूट्यूब का है ना भैया, बहुत सारे वीडियो है आपको ये कैसे करना है, ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को अच्छी तरह आप फॉलो करेंगे तो आपको जरा भी तकलीफ नहीं पड़ेगा भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, ताकि लाइक करें तो क्या यूट्यूब का बट यूट्यूब वाले किसी और को भी ज़्यादातर भेजते हैं भैया, तो क्या थोड़ा वीडियो सब लोग सीख सके, क्योंकि सबके मन में यही है अगर पैसे वाले होंगे तभी कैनेडा जा पाएंगे, इसके ऐसे वाले होंगे तभी फ्रेंच पास सीख सकेंगे, पैसे वाले होंगे तभी इंग्लिश सीख सकेंगे, यह बात एकदम बिल्कुल गलत है भैया। आपको इंग्लिश फ्रेंच सीखने के लिए पैसा वाला होना ज़रूरी नहीं है भैया, आपको अपनी अकल से अच्छा सा प्लानिफिकेशन करके प्लान करके भैया ये सब चीज़ सीख सकते हैं भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए, नहीं तो फेसबुक पे ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिए। अगर आपका दोस्त आपका कोई फ्रेंड आपका कोई रिश्तेदार कोई कैनेडा में जाके नहीं तो यूरोप के कोई भी कंट्री में फ्रेंच जाना सीखना सकता है, तो ये वीडियो है उसका पूरा का पूरा माइंड चेंज कर देगा भैया। ऐसा प्लान आपको कोई नहीं दिखाएगा सिखाएगा भैया, आपका सगा भाई है तो भी ये शॉर्टकट नहीं सिखाएगा भैया। तो आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए भैया। अगर आप यूट्यूब का कोर्स यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो मेरा एक यूट्यूब का कोर्स है भैया, वो भी आप नीचे जाके देख सकते हैं भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे किसी और के साथ भी शेयर कर दीजिए भैया। आपके समय के लिए आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।